संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्य एशियाई नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान बाइडेन ने विश्व नेताओं से एक साथ आने की अपील की। बाइडेन ने कहा, दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन में नरसंहार के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस में यूक्रेन के बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जेलेंस्की ने कहा, आतंकवादियों को परमाणु हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने तेहरान पर साल 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। रायसी ने अमेरिका से इस मामले में अपनी नीयत साफ रखने की अपील की। ईरानी राष्ट्रपति की मांग पर नाराजगी जताते हुए इजराइल के दूत गिलाद एदौन हॉल से बाहर निकाल दिए गए। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच बढ़ते विवाद पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जताई। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा, हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन कथित अवैध रूप से बंदूक खरीदने के आरोप में कोर्ट से उन्हें दोषी नहीं ठहराने का अनुरोध करेंगे। हंटर बाइडेन के वकील ने इसके लिए अमेरिकी न्यायाधीश क्रिस्टोफर बर्क को पत्र लिखा। वकील ने अपने पत्र में कहा, हंटर बाइडेन अपने खिलाफ लगे आरोपों और अपने अधिकारों दोनों को समझते हैं। अलबामा के एक हाई स्कूल बैंड डायरेक्टर को एक फुटबॉल मैच के बाद स्टनगन से गिराने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसका बॉडी कैम वीडियो जारी किया। बैंड डायरेक्टर पर अव्यवस्थित आचरण, लोगों का उत्पीड़न और पुलिस की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बताया, बैंड बजाने से रोकने गई पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैंड डायरेक्टर ने हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके बाद स्टनगन से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंस विलियम ने न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट के टेन हाउस फायर स्टेशन का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क मेमोरियल वॉल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रिंस विलियम ने फायर फाइटर्स से भी मुलाकात की। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने को संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड के माता पिता पर मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड ने खुद के फायदे के लिए कंपनी का इस्तेमाल किया, साथ ही लाखों डॉलर के गबन का भी आरोप लगाया। अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था इस साल वैश्विक मंदी का खतरा टाल सकती है। OECD ने इसको लेकर कयास लगाए हैं। इसके साथ ही OECD ने कमजोर चीनी अर्थव्यवस्था को अगले साल के लिए आर्थिक रिकवरी में बड़ा ब्रेकर करार दिया। डिज्नी ने अगले दशक में अपने पार्क व्यवसाय में विकास के लिए $60 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। डिज्नी के CEO बॉब ईगर और कंपनी के पार्क प्रमुख जोश डियामारो ने फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स की एक सभा में इसकी घोषणा की।